Good morning, students. Um, till now, we have studied about quantities, two types of quantities, two types of physical quantities that were fundamental and derived quantities. Then, how these quantities are measured, and for measurement, the most necessary thing that is unit you know what is a unit you know what is a fundamental unit you know what is a derived unit and you know how to find various derived units depending on fundamental units now today we have to start system of units but before starting it i would like to tell you that what is a good unit a unit can be good or bad a good unit is that one which has

जिसका की वैल्यू एग्जैक्टली और प्रॉपरली डिफाइंड हो जो समय जगह स्थान और फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज ना होती हो फिजिकल कंडीशंस यानी टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी वगैरह चेंज ना होती हो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मीटर एक यूनिट बनाई और उसको इस तरह से डिफाइन किया कि वो एक्जैक्टली exactly तो डिफाइंड है लेकिन अगर ठंड हो जाती है तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाती है और गर्मी हो जाती है तो फैल जाती है या प्रेशर पड़ने पे उसकी वैल्यू कम हो जाती है प्रेशर रिलीज करने पे उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है या ग्रेविटेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ग्रेविटेशन पे डिपेंडेंट है ग्रेविटी जो है वो अर्थ के अलग अलग जगहों पे वैरी करती है इक्वेटर पे कुछ और वैल्यू है पोल्स पे कुछ और वैल्यू है अर्थ से कुछ किलोमीटर ऊपर चले जाइए तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अर्थ के अंदर चले जाइए तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा एक अच्छी यूनिट वो होती है जिसकी की एग्जैक्टली और प्रॉपरली डिफाइंड वैल्यू हो जो समय स्थान और फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज ना होती हो और जो ग्रेविटेशन पर डिपेंड ना करती हो अगर ऐसा एक अच्छा यूनिट आपके पास है तो आप उसको मेजरमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं आइए अब हम आपको बताते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया ऐसा कोई भी सिस्टम जो कुछ फंडामेंटल और यूनिट्स की डेफिनेशन कंटेन करता है ये सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है अ सिस्टम विच कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड यूनिट्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट या यूनिट्स की जरूरत कब पड़ी आपको पता है कि बहुत सालों पहले जब मानव सभ्यताएं विकसित हो रही थी जब सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी उस समय ज्यादातर सिविलाइजेशन नदियों के किनारे डेवलप हुई थी क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको हवा चाहिए और पानी चाहिए हवा तो हर जगह अवेलेबल है लेकिन पानी जहां नदियां थी वहां पर अवेलेबिलिटी उनकी थी जहां पर आपको पीने का पानी मिलता था वो जगहें अच्छी थी तो उनके किनारे किनारे जो भी सभ्यताएं थी वो विकसित हुई थी अब अलग अलग नदियों के किनारे अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को की पैदावार की गई अलग अलग चीजें बनाई गई जब वो लोग आपस में मिले तो उनको लगा कि हम इनसे एक्सचेंज कर सकते हैं जब जरूरत पड़ी एक्सचेंजेस की तब जरूरत पड़ी मेजरमेंट्स की तब जरूरत पड़ी यूनिट्स की और इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप कर लिए उन्होंने अपनी अलग यूनिट्स डिफाइन कर ली और उसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट्स होने लगे ऑब्वियसली उस समय की यूनिट्स बहुत ही अः ऐसी नहीं रही होंगी जिनको कि हम बहुत स्टैंडर्ड यूनिट्स के तौर पे पर कहें पर फिलहाल आज की डेट में जो यूनिट्स यूज हो रही हैं उन सिस्टम्स में से जो सबसे पहला सिस्टम डेवलप हुआ था वो सीजीएस सिस्टम था फर्स्ट एवर डेवलप्ड सिस्टम इट वॉज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और उसके बाद एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट और भी शायद कुछ और डेवलप हुए लेकिन ये तीन सिस्टम ऐसे थे जो बहुत चलन में रहे अब हम आपको बताते हैं कि ये तीन सिस्टम्स कौन कौन से हैं पहले हम आ जाते हैं सी जी एस सिस्टम पे सी जी एस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सी से सेंटीमीटर जी से ग्राम और एस सेकेंड ये उसका शॉर्ट फॉर्म है एब्रीविएशन समझ लीजिए सी जी एस सी फॉर सेंटीमीटर जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड सो दिस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ये सबसे पहला सिस्टम था जो वर्ल्ड में डेवलप हुआ था सो इट वॉज द वेरी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप्ड इन वर्ल्ड इट इज अ लॉजिकल अजिकल वेल डिफाइंड सिस्टम लॉजिकल और वेल सिस्टम का मतलब इसकी जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली और एक्जैक्टली डिफाइंड वैल्यूज हैं उनकी और गुड यूनिट्स कंटेन करता है अगर कोई सिस्टम गुड यूनिट्स कंटेन करता है और वो वेल well डिफाइंड है तो दैट इज अजिकल सिस्टम इस सिस्टम में देखिए तीन यूनिट्स कंटेन की गई है सेंटीमीटर को लेंथ के लिए ग्राम को मास के लिए और सेकेंड को टाइम के लिए सो इट कंटेन्स ओनली थ्री फंडामेंटल यूनिट सेंटीमीटर फॉर लेंथ ग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम इस सिस्टम में जो साइज ऑफ यूनिट्स है वो आप देख सकते हैं कि वो छोटा है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप सेंटीमीटर या ग्राम का यूज कम करते हैं जब आप चीजें खरीदने जाते हैं तो सेंटीमीटर में या ग्राम में नॉर्मली आप चीजें नहीं खरीदते हैं तो इस जो यूनिट्स का साइज था वो बहुत छोटा था और डे टू डे लाइफ में जो आपको परचेजेस करने होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं था बहुत कंफर्टेबल नहीं था और यही वजह है कि ये सिस्टम थोड़ा सा कम यूज में है इस सिस्टम के ऊपर कुछ चेंजेस करके इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करके एक और सिस्टम डेवलप हुआ ये आपका एम के एस सिस्टम कहलाया एम के एस सिस्टम किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इट ऑल्सो कंटेन्स थ्री फंडामेंटल यूनिट मीटर फॉर लेंथ किलोग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम देखिये एमके एस का फुल फॉर्म क्या हुआ एम फॉर मीटर के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकेंड ये भी तीन फंडामेंटल यूनिट्स रखता है और ये भी एक लॉजिकल सिस्टम है इसको मीटरिक सिस्टम भी कहा जाता है लेकिन जो सीजीएस सिस्टम की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर रिमूव हो गई जो मीटर और किलोग्राम है ये दोनों यूनिट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल साइज की हैं डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती हैं और यही वजह है कि ये सिस्टम आज तक भी यूज में है एक तीसरा सिस्टम जो कि आपके ब्रिटिशर्स यहाँ लाए थे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहलाता है ये ये है आपका एफ सिस्टम एफ स्टैंड फॉर फुट पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड फुट जो है वो लेंथ का यूनिट है पाउंड मास का यूनिट है और सेकेंड टाइम का यूनिट है तो इस तरह से इस सिस्टम में भी तीन ही यूनिट्स हैं तीन फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन की गई है एक लेंथ की दूसरी मास की और तीसरी टाइम की इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है क्योंकि जो आपका ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इसमें फुट जो है वो लेंथ का है पाउंड मास का है और सेकेंड टाइम का है इल लॉजिकल और पुअरली डिफाइंड सिस्टम है ये गुड यूनिट्स नहीं कंटेन करता और यही वजह है कि ये सिस्टम आज की डेट में हो गया है। अगर हम इन तीनों सिस्टम्स की बात करें तो इन सिस्टम्स में इन तीनों ही सिस्टम्स में कुछ कमियां थी जिनको कि हम लिमिटेशन ऑफ दीज थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से आ, आपको बता सकते हैं ये देखिए इन तीनों सिस्टम्स में एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये तीनों सिस्टम्स केवल तीन फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करते हैं लेंथ की मास्क की और टाइम की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि लेंथ मास और टाइम ये तीन क्वांटिटीज़ चूंकि मैकेनिक्स की क्वांटिटीज हैं, तो ऑब्वियसली इन तीनों सिस्टम्स में जो रेस्ट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं उनके लिए कोई भी यूनिट्स कंटेन्ट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई यूनिट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई यूनिट नहीं है ऑप्टिक्स के लिए कोई यूनिट नहीं है थर्मोडाइनिक्स के लिए कोई यूनिट नहीं यानी अगर आप और branches, और ब्रांचेस 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 फिजिक्स के के बारे में बात करिए तो उन के लिए इन सिस्टम्स में कोई भी यूनिट नहीं है ना उनको निकालने का कोई तरीका है अब देखिए तीसरी प्रॉब्लम क्या थी क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम्स यूज होते थे तो इन अलग अलग सिस्टम्स के Use की वजह से जब आपस में कुछ उनको एक्सचेंजेस करने होते थे तो इन यूनिट्स के इंटर कन्वर्जन की जरूरत पड़ती थी जैसे कि सेंटीमीटर को फुट में कन्वर्ट करना या फुट को मीटर में कन्वर्ट करना या पाउंड को जो है वो ग्राम में कन्वर्ट करना इस तरह की जरूरत पड़ती थी जो कि बहुत आसान नहीं था ये तीनों लिमिटेशंस को दूर करने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है उसने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस किया जिसको कि S.I. यूनिट्स कहा जाता है और ये जो एस यूनिट्स हैं ये एस यूनिट्स ऑल ओवर वर्ल्ड एज अ स्टैंडर्ड यूज होती हैं इसमें जो है जो मीट्रिक सिस्टम था उस मीट्रिक सिस्टम को इसमें पूरा का पूरा एज इट इज एब्सॉर्ब कर लिया गया और इसके अलावा कुछ और यूनिट्स इसमें ऐड कर दी गई सो दैट फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो कवर हो जाए जो एसआई यूनिट्स हैं उनके बारे में पहले समझ लीजिए ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है एस फॉर स्टैंडर्ड आई फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है और इस जो एसआई यूनिट्स हैं इस सिस्टम ने मीट्रिक सिस्टम को एब्सॉर्ब करते हुए टोटल सात बेस यूनिट्स और टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐड कर ली जिनमें की जितनी भी यूनिट्स हैं इसमें वो सब की सब प्रॉपरली और लॉजिकली वेल डिफाइंड यूनिट्स हैं गुड यूनिट्स हैं इसलिए ये सिस्टम जो है लॉजिकल सिस्टम है वेल डिफाइंड सिस्टम है और ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमनली यूज होता है सारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की जो डेफिनीशंस है उनको कंटेन करता है और आज की डेट तक ये सिस्टम यूज हो रहा है इसके ऊपर अभी तक कोई भी रिफाइंड सिस्टम नहीं आया है हम इसकी बेस यूनिट्स देखते हैं देखिए सात यूनिट्स हैं बेस यूनिट्स और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स इनको बेस यूनिट्स इसलिए कहा क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है लेकिन अपने अपने ब्रांच में वो एज अ फंडामेंटल यूनिट यूज होती है फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज रादर कौन सी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज वो थी जिनको कि डायरेक्टली मेजर किया जा सकता था तो यहाँ पर जो है आपकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स ऐड की गई हैं वो सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो अपनी अपनी ब्रांच में फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह यूज होती हैं वाकई में वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है बट उनको डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है और उनको सबसे बेसिक क्वांटिटी की तरह वहां पर यूज किया जाता है यही वजह है कि जो इस सिस्टम की जो यूनिट्स हैं इनको बेस यूनिट्स कहा गया है ये देखिए पहली यूनिट लेंथ की मीटर है और इसका एक सिंबल दे दिया गया एम जिससे कि आप इसको आसानी से लिख सके दूसरी दूसरी क्वांटिटी जो है मास है जिसका की यूनिट किलोग्राम है इसका सिंबल दे दिया गया के तीसरी क्वांटिटी टाइम है जिसका यूनिट सेकेंड है इसका सिंबल दे दिया गया एस और अगर आप देख के चलिए तो ये तीनों जो है वो एम के एस सिस्टम से आ रहे हैं चौथी यूनिट जो ऐड की गई वो करंट के लिए एम्पियर यूज की गई एम्पियर एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ये यूनिट है इसलिए इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए रखा गया है टेम्परेचर के लिए कैलविन ऐड किया गया कैल्विन भी साइंटिस्ट है उनके नाम पे रखा गया इसलिए इसका जो सिंबल है वो कैपिटल के रखा गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ऑप्टिकल इंटेंसिटी जिसका की यूनिट कैंडेला रखा गया और इसका सिंबल सी डी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल जो कि एमओ एल सिंबल के साथ यूज होता है ये देखिए जो पहली तीन यूनिट्स हैं ये तीनों मैकेनिक्स में यूज होती हैं। करंट को जब इसमें ऐड कर लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और इससे मिलती जुलती जितनी भी फील्ड्स हैं, वो कवर हो जाती हैं टेम्परेचर को अगर ऐड कर लिया जाए लेंथ मास और टाइम के साथ तो आपकी थर्मोडाइनेमिक्स और इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड है वो सारी कवर हो जाती है इंटेंसिटी को एड कर लिया जाए अगर तो ऑप्टिक्स और इससे रिलेटेड सारी ब्रांचेस कवर हो जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर एड कर लिया जाए तो आपकी मोलिक्यूलर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स ये सब भी कवर हो जाते हैं अब रह जाती थी आपकी वो फील्ड्स जहां पर स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टेंट थे यानी स्ट्रक्चरल फिजिक्स वाले जो पार्ट थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स इस तरह की चीज इस तरह के जो ब्रांचेस थे उनको कवर करने के लिए बाद में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स एड की गई एक पहली प्लेन एंगल के लिए जो कि रेडियन दूसरी सॉलिड एंगल के लिए जो कि स्टे रेडियन आपको मैं बता देती हूँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में फर्क क्या है अगर मान लीजिए हम एक प्लेन की बात करें ये दो लाइंस हैं इनके बीच का जो एंगल है ये तो प्लेन एंगल होता है इसकी जो यूनिट रेडियन और इसका जो सिंबल है वो रेड दूसरा आपके कमरे के कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है जहां तीन वॉल्स के बीच में बन रहा है ये एंगल ये एंगल जो है ये सॉलिड एंगल होता है तीन प्लेन्स दो प्लेन्स से ज्यादा मल्टीपल प्लेन्स के बीच में जो एक एंगल बनता है ये आपका सॉलिड एंगल कहलाता है और सिंगल प्लेन में जो दो एक्सेस के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका प्लेन एंगल कहलाता है तो ये इस तरह से दो तरह के एंगल एड हुए एक प्लेन एंगल दूसरा सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन और इसका सिंबल आर एडी सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टेरेडियन और इसका सिंबल एस आर और इस तरह से ये टोटल नौ यूनिट्स यहां पर हो गई सात बेस यूनिट्स और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को मिलाते हुए अब आपका फुल फ्लेज सिस्टम तैयार हो गया जो ऑल ओवर वर्ल्ड एज अ स्टैंडर्ड यूज होता है और ये फिजिक्स की लगभग सब ब्रांचेस को कवर करता है इनके अलावा कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं जो कि डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको इन टेबल्स से अलग रखा गया है लेकिन एसआई SI सिस्टम में उनकी डेफिनेशन कंटेन्ड हैं। ऐसी कुछ यूनिट्स में आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन सी हैं, जो आपको आपको याद रखनी है जो आपके लिए यूज होंगी यहां पर आप देखिए फोर्स के लिए एक यूनिट यूज होता है एन से लिखा जाता है न्यूटन रुकिए मैं पहले इसको साफ कर दू अब देखिए फोर्स फोर्स के लिए एक यूनिट डिफाइन किया गया न्यूटन एन ईडब्यू टी ओ एन न्यूटन ये फोर्स का यूनिट है और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एन है इसी तरह से आपका एक यूनिट बनाया गया वर्क या एनर्जी के लिए इसको जूल से लिखा जाता है यह भी साइंटिस्ट का नाम था तो ये इसको कैपिटल जे से इसका सिंबल लिखा गया पावर का एक यूनिट दिया गया ये आपका वॉट ऐसा ही यूनिट है डब्लू ए डबल टी और देखिए कुछ एक यूनिट्स आपको और दिखा देते हैं पास्कल प्रेशर के लिए है प्रेशर के लिए पास्कल यूज किया गया ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है ये पीए से है ये चार यूनिट सफिशियंट है आप अगर याद रख सकें तो याद रखिएगा ये या आपको जगह जगह इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये इस तरह से कुल मिला के जो एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट है ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके अलावा डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन भी कंटेन करता है अब आपको एक टेबल मैंने कल कहा था बनाने को जिसमें मैंने कहा था कि जो क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज के नाम लिख लीजिए उनके एक्सप्रेशन लिख लीजिए और उनके यूनिट SI unit, उनके यूनिट्स आपको निकाल के लिखने को मैंने कहा था अगर आपने यूनिट्स नहीं मैंने शायद आपको खाली एक्सप्रेशन निकालने को कहा था एक्सप्रेशन तक लिखने को कहा था और मैंने आपको ये कहा था कि ये देखिएगा कि उसका यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में किस तरह से निकाला जा सकता है वो आपने बनाया होगा उसके आगे एक कॉलम और बना लीजिएगा जिसमें ऐसा यूनिट लिख लीजिएगा और उन क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट्स भी लिख लीजिएगा इसके अलावा दो कॉलम्स और छोड़ दीजिएगा जिसमें क्या लिखना है वो मैं आपको आगे बाद में बताऊंगी यहाँ पर मैं देखती हूँ शायद मैंने एक टेबल बना रखा है अगर वो यहाँ होगा तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ नहीं है बाई चांस चलिए एनी आपने एक टेबल बनाना जो बनाया था उसी में आप लिख लीजिएगा जो आपके डिफरेंट आपने जो डिफरेंट वो बनाई थी क्वांटिटीज uh, लिखी थी उनके एस SI यूनिट्स कुछ मैं आपको यहाँ पर लिखने के दिखा देती हूँ कुछ यूनिट्स आपको मैं दिखाती हूँ जैसे आपने मान लीजिए एरिया लिखा था तो एरिया का जो एस SI यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है वॉल्यूम का ऐसा SI यूनिट ये मीटर क्यूब है डेंसिटी का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर की पावर माइनस थ्री है डिस्टेंस का मीटर है डिस्प्लेसमेंट का मीटर है आप उतारते चलिएगा और अब मैं इसको रब कर देती हूं आगे की कुछ और बता देती हूं अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट के बाद हम स्पीड ले लेते हैं स्पीड का मीटर अपॉन सेकेंड वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकेंड एक्सेलरेशन आप अपने टेबल में इसको नोट कर लीजिएगा मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर ये थोड़ा सा आगे निकल गया बोर्ड से अब आ जाइए फोर्स फोर्स आपका क्या होता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास का किलोग्राम और मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर ये जो होता है ये आपका न्यूटन के बराबर होता है तो यहां से वन न्यूटन जो है वो वन किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है लीजिए इसको मैं नेक्स्ट तब तक लिखती हूं फोर्स के बाद हम आ जाते हैं वर्क पे वर्क देखिए क्या होता है वर्क होता है एफ डॉट एस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर तो न्यूटन मीटर आपका है अगर हम न्यूटन मीटर की जगह ये पूरा लिखना चाहे न्यूटन की जगह तो यही आपका जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है और यही वन जूल के बराबर भी होता है क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट जो है वो जूल होता है तो ये आपके आ, कुछ क्वांटिटीज के मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं बाकी जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी है उसमें सभी क्वांटिटीज के जो एसआई SI यूनिट्स हैं वो लिखे हुए हैं आप वहां से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और आपको ये याद रखने पड़ेंगे या तो आप याद रखिए या आप जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के तौर पे निकाल सकते हैं अगर आप उसका एक्सप्रेशन याद रखें तो कोशिश ये करिएगा कि आप ये जो आ, टेबल है उसके साथ जो चार यूनिट्स बताई हैं मैंने वो इनको तो जरूर याद रखिएगा बाकियों को आप चाहिए तो आप उनकी फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं अब हम वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है dimensions. Dimensions आपने डे डे टू लाइफ में जरूर सुना होगा आपने ऐसा सुना होगा कि थ्री डायमेंशनल मूवी देखने गए थे आप में से अगर किसी ने देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि अगर वहां पे मान लीजिए एक बॉल उछाली जाती है तो आपको लगेगा कि आपके सामने पूरी बॉल वो उछल रही है वो आपको फोटो या पिक्चर की तरह से नहीं नजर आएगी आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके सामने है अगर आपको कोई प्लेट में लेके ऐसे मिठाई देने की कोशिश करेगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके सामने वो मिठाई रखी हुई और आप ऐसे हाथ उठा के उसको उठा सकते हैं तो ये सब ये आपका थ्री डायमेंशनल इफेक्ट होता है और इसके अलावा भी आपने डायमेंशन सुनी होंगी अगर मैं आपको एक पेपर दूं तो आप और पूछू कि ये कितने डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है तो आप कहेंगे टू डायमेंशनल है लेकिन अगर मैं आपको बुक दूं तो आप कहेंगे कि थ्री डायमेंशनल है तो बेसिकली ये डायमेंशन का क्या कंसेप्ट यहाँ पर हुआ किसी भी फंडामेंटल यूनिट के कितने टाइप्स की फंडामेंटल यूनिट्स उसमें है ये समझ लीजिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट अपियर हो रही है और किस पावर के साथ अपियर हो रही है ये उसकी डायमेंशन को एक्सप्लेन करता है तो डायमेंशन की जो जनरल डेफिनेशन हुई वो क्या हुई कि किसी भी फंडामेंट किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को आ, निकालने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कौन सी पावर लगाते हैं ये उसका डायमेंशन कहलाता है यानी कि द पावर्स रेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू ऑपटेन अ डिराइव क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट डिराइव क्वान्टिटी अब देखिए हम एग्जाम्पल के लिए एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है एरिया जो है उसमें लेंथ और ब्रेथ या लेंथ और विथ दो तरह की लेंथ है तो एक लेंथ ये दूसरा लेंथ ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई uh, किया तो स्क्वायर आ गया तो आपका लेंथ के ऊपर क्या पावर आई टू तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो पावर आपने रेज किया लेंथ के ऊपर एरिया को निकालने के लिए इसलिए एरिया के पास लेंथ की दो डायमेंशन हैं फिर से समझिए एरिया इज लेंथ इन टू विन टू बी लेंथ दोनों लेंथ हैं सो इट इज लेंथ इन टू लेंथ और लेंथ का स्क्वायर यू कैन सी दैट लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना पड़ा उसके ऊपर जो पावर आपने रेस की दैट इज टू

और लेंथ की पावर थ्री आपने यहाँ वॉल्यूम में निकाला हुआ है तो मास की पावर वन एंड लेंथ की पावर थ्री से डिवाइड किया इसको जब आप ऊपर ले जाते हैं तो मास रेस टू पावर वन एंड लेंथ रेस्ट टू पावर माइनस थ्री आ जाता है आपका और इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो आपका डेंसिटी है उसकी डायमेंशन में वन डायमेंशन ऑफ मास है और माइनस थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ है स्पीड पे आ जाइए डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस मीन्स लेंथ डिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ तो लेंथ इन टू टाइम की पावर माइनस वन ये आप कह सकते हैं कि वन डायमेंशन ऑफ लेंथ है और माइनस वन डायमेंशन ऑफ टाइम है कहा स्पीड में यहां पर मैं आपको कुछ और क्वांटिटीज का निकाल के दिखाने की कोशिश करती हूं अभी तक आपने डेंसिटी का निकाला देखिए हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की यहाँ पर हमने स्पीड तक निकाला है स्पीड से आगे हम आ जाते हैं वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी वी के लिए आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ लेंथ और अपॉन टाइम तो इस लेंथ की पावर तो वन हो गया और डिवाइडेड बाय टाइम इसको टाइम की पावर वन को आप ऊपर ले जाएंगे तो दिस विल बी लेंथ की पावर वन और टाइम की पावर माइनस वन सो वेलोसिटी हैज वन डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड माइनस वन डायमेंशन ऑफ टाइम नेक्स्ट आ जाइए लेट अस टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय टाइम को टी से लिख लेते हैं तो चाहे चेंज इन वेलोसिटी है या वेलोसिटी है उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ अपॉन टाइम और इसके नीचे एक और टाइम यानी कि अब आपका टाइम का स्क्वायर हो जाएगा तो दिस विल बी लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यू विल गेट अ लेंथ की पावर वन एंड टाइम की पावर माइनस टू सो एक्सेलरेशन हैज वन डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड माइनस टू डायमेंशन ऑफ टाइम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा ज्यादा मुश्किल नहीं है बहुत आसान है समझना अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का एक्सप्रेशन पता है तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं नेक्स्ट आ जाइए हम एक बात कर लेते हैं फोर्स की फोर्स का आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा नहीं पढ़ा होगा टेंथ में पढ़ा होगा आपने अभी तो हमने नहीं पढ़ाया पर आपने फोर्स का फॉर्मूला टेंथ में पहले पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू एम ए मास इन एक्सेलरेशन मास जो है वो अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आप इसको लिख सकते हैं मास की पावर वन और एक्सेलरेशन का भी हमने पहले निकाला था ये लेंथ की पावर वन है और टाइम की पावर डिवाइडेड बाई टाइम की पावर टू है इसको ऊपर ले जाइए तो आपको यहां से मिलता है मास की पावर वन लेंथ की पावर वन और टाइम की पावर माइनस टू तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स के पास एक डायमेंशन मास की है एक डायमेंशन लेंथ की है और माइनस टू डाइमेंशन टाइम की है आप देखिए बहुत ही आसान है जब आप किसी चीज को उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करते हैं तो आप बहुत आसानी से ये निकाल सकते हैं कि, कि किस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कौन सी पावर आपको रखनी पड़ रही है और यही उसकी डायमेंशन है हाँ यहाँ पर ये जरूर एक समस्या है कि जब भी आप किसी क्वांटिटी uh, के ऊपर उसकी डायमेंशन रखते लिखते हैं किसी क्वांटिटी के लिए उसकी डायमेंशन लिखते हैं तो बहुत लंबा स्टेटमेंट तैयार हो जाता है कि इट हैेंस टू डायमेंशन ऑफ टाइम और इसको नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में यूज करना संभव नहीं है थोड़ा सा कठिन है इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए बनाए गए डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जिसको देखते ही पता लग जाए कि किसी डिराइव क्वांटिटी में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी अपियर हो रही है और किस पावर के साथ अपियर हो रही है सो अ फॉर्मूला दैट एक्सप्लेन दैट इन अ डिराइव्ड क्वांटिटी और इन अ डिराइव यूनिट विच फंडामेंटल यूनिट इज अपियरिंग अलोंग विथ इट्स पावर दैट इज इफ अ फॉर्मूला इज लाइक दैट That it explains that in a derived quantity or in a derived unit, this fundamental unit is appearing and with this power, then such a formula is known as dimensional formula. Here, I have definition. A formula that explains the fundamental units along with their powers appearing in a derived unit is called dimensional formula of that derived unit. इसके साथ ही साथ ये पहले से तय कर लिया गया है कि मास के लिए कैपिटल एम है डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के लिए कैपिटल एल है और टाइम के लिए कैपिटल टी है इसको आप एम लिख लीजिए या एम की पावर वन लिख लीजिए दोनों एक ही बात है एल लिखिए या एल की पावर वन लिखिए एक ही बात है टी लिखिए या टी की पावर वन लिखिए दोनों एक ही बात है तो इस तरह से मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम या एम की पावर वन है लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल या एल की पावर वन है और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी या टी पावर क्वांटिटीज है उनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसी भी जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं सबसे पहला स्टेप

करिए और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा देखिए यहाँ पर आपको मैंने कुछ dimensional formula निकाल के दिखाए हैं और आगे का काम आप अपने आप आप अपने घर में करेंगे। आप जितने dimensional formula करेंगे जितने ज्यादा उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी देखिए एरिया जो होता है उसका एक्सप्रेशन है एल इन टू बी देर लेंथ का स्क्वायर में एल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मास का कुछ भी नहीं है इसमें और टाइम भी नहीं है इसलिए मैंने एम की पावर जीरो और टी की पावर जीरो इसमें ऐड किया है सो एम रेस टू पावर जीरो एल स्क्वायर टी रेस टू दी पावर जीरो और सिंपली एल स्क्वायर इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया नाउ इफ वी थिंक अबाउट वॉल्यूम वॉल्यूम इज एल इंटू बी दिस इज वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच दिए तीनों लेंथ्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ का क्यूब तो यहां से आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m रे टू दी पावर 0 l क्यूब t रे टू दी पावर 0 और सिंपली l क्यूब सो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला l क्यूब है डेंसिटी पे आ जाइए डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है मास अपॉन वॉल्यूम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम और वॉल्यूम का एल क्यूब तो यहां से आप लिख सकते हैं एम एल प्रेस टू पावर माइनस थ्री ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया डेंसिटी के लिए जो मैंने यहां पर आपको लिखा हुआ है नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेलोसिटी पे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम Displacement means length upon time. So, L upon T or yeah, L T raised to the power minus 1 is the dimensional formula for velocity. Acceleration is change in velocity upon ch time. Change in velocity means L upon T or divided by time. So, it is L upon T ka square or it can be written as L T raised to the power minus 2. Force is mass into acceleration. मास की जगह पे एम एक्सेलरेशन की जगह पे एल टी रेस टू दी पावर माइनस टू एंड यू गेट अम एल टी रेस टू दावर माइनस टू सिमिलरली वर्क इज फोर्स इन टू डिसमेंट फोर्स की जगह पे एम एल टी की पावर माइनस टू डिसमेंट लेंथ है एल ये एल और ये एल मल्टीप्लाई होके एम एल स्क्वायर टी रेस टू दावर माइनस टू काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है आपका हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ जो है वो कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा मास की जगह एम वेलोसिटी की जगह एल टी रेस टू दी पावर माइनस वन और यहां इसका स्क्वायर ये छूट गया है यहां पे ये इसका स्क्वायर लगाएंगे तो इट विल बी एम एल स्क्वायर टी रेस टू दावर माइनस टू पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी इंटू एच मास है एम जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है सो एज इट इज एक्सेलरेशन सो इट विल बी एल टी रेस टू दावर माइनस टू इसको एल से मल्टीप्लाई किया आपने ये आपके पास आ गया एम एल स्क्वायर टी रेस टू दी माइनस टू पावर वर्क अपॉन टाइम वर्क का डाइमेंशनल फार्मूला m l2 t रे टू दी पावर -2 यहां सब्स्टिट्यूट किया यहां से उठा के और फिर डिवाइडेड बाय t सो इट इज m l2 t रे टू दी पावर -3 प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया फोर्स m l t रे टू दी पावर -2 यहां से उठाया और डिवाइडेड बाई एरिया l2 सो एक l यहां से कैंसिल हो जाएगा और दूसरा l ऊपर जाके minus -1 हो जाएगा एंड यू विल गेट एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू सर लेंथ टू दावर माइनस टू डिड बाई एल ये पावर माइनस टू ये कुछ क्वान्टिटीज है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे है और एक लेटमी सी और मैंने नहीं करे हुए हैं तो मैं कुछ आपको और भी बता देती हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स हो या फोर्स हो ये रीस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी रेस टू दावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर यहां से एक एल कैंसिल हो जाएगा ये एल ऊपर चला जाएगा और आपका यहाँ बचेगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू अगली क्वांटिटी देखिए स्ट्रेन स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन सो लेट अस टेक हियर एज चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल लेंथ अपॉन लेंथ हो गया सो दिस इज L upon L और इट इज dimensionless so सो स्ट्रेन इज अ quantity क्वांटिटी ठीक आप याद रख सकते हैं कि स्ट्रेन इज अ डाइमेंशनलेस क्वांटिटी इसको मैं इरेज करती हूं कुछ एक दो आपके लिए और निकाल देती हूं मैं यहां पर लेट टॉक अबाउट मोमेंटम मोमेंटम को आप p से लिखते हैं और p इज इक्वल टू एम इन टू होता है मास इंटू वेलॉसिटी मास की जगह m वेलोसिटी की जगह l t रेस टू दी पावर माइनस वन सो आपका जो फॉर्मूला हुआ डाइमेंशनल m l t रेस टू दी पावर माइनस वन इम्पल्स जे ये चेंज इन मोमेंटम होता है एम वी माइनस एम यू तो ये आपका दोनों का सेम ही होगा एम वी और यू दोनों का सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला इसलिए यहां पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी रेस टू दी पावर माइनस वन अब देखिए ये आपका मोमेंटम और इंपल्स इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है ऐसे ही जब आप निकालेंगे आपने आ, देखा देखेंगे कि जो वर्क है और एनर्जी है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी रेस टू दी पावर माइनस टू आ रहा था काइनेटिक एनर्जी का भी एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू है एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला ml square t raised to the power minus 2 similarly you can see that pressure has a dimensional formula ml raised to the power minus 1 t raised to the power of minus 2 and the same was dimensional formula for stress so now you know some pair of quantities which have same dimensional formula let me write these quantities jinka dimensional let me write some pair of quantities which have same dimensional formula आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि राइट टू पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला तो देखिए स्ट्रेस एंड प्रेशर इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है ठीक ये पहली क्वांटिटी पहला पेयर हुआ दूसरा देखिए वर्क एंड एनर्जी इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तीसरा देखिए मोमेंटम एंड इंपल्स इनका डाइमेंशनल फॉर्मूला सेम है चौथा बहुत आसान है स्पीड और वेलोसिटी अब आपको एटलीस्ट चार तो पता है ही बाकी आपकी अपनी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है आप जितनी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे आप उतने ज्यादा क्वांटिटीज को जान पाएंगे जिनकी डायमेंशन dimension या डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने वाली जो क्वांटिटीज हैं उनके बारे में भी जान गए डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशन क्या है ये भी जान गए और डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ये भी जान गए और उन्हें कैसे डिराइव करते हैं ये भी आप समझ गए अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसको कि किसी न्यूमेरिकल में यूज किया जा रहा है और उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला ऐसा है जैसा डायमेंशनल फार्मूला किसी और क्वांटिटी का भी है तो अगर सिंपली डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ हो तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि वो डायमेंशनल फार्मूला किस क्वांटिटी के लिए यूज किया गया है एग्जाम्पल के लिए कहीं पर मान लीजिए एम एल स्क्वायर टी रेस टू दी पावर माइनस टू यूज किया गया है किसी न्यूमेरिकल में तो आप ये नहीं बता सकते कि वो वर्क के लिए यूज किया है काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज किया है पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज किया है किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए यूज किया है या टॉर्क के लिए यूज किया है टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है तो आपको ये पता नहीं लगेगा इसलिए बनाए गए डायमेंशनल इक्वेश डायमेंशनल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो कि आ, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि जो डायमेंशनल फार्मूला है वो किस क्वांटिटी के लिए यूज किया गया है और ये डायमेंशनल इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो आपकी क्वांटिटी है उसको उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करके लिख दिया जाता है अब इनका इस्तेमाल जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए आसान हो जाता है यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स देखिए एस इज इक्वल टू एल टी टू दी पावर माइनस वन ये स्पीड है देख के पता लग रहा है एल टी रेस टू दी पावर माइनस वन ये डायमेंशनल फॉर्मूला दो ही चीजों का है एक वेलोसिटी का और दूसरा स्पीड का ये एस है तो यहाँ स्पीड है अगर यहां लिखा होता तो आपको देखते ही पता लग है कि सिंपल फोर्स के लिए यूज हो रहा है अगर यहाँ एफ सी लिख दिया जाएस टू दी पावर माइनस टू ये सेंट्रिपिटल फोर्स है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है ऐसे ही E is equal to Ml square t to the power minus two, एनर्जी के लिए यूज हो रहा है अगर लिखा होता W is equal to Ml square t to the power minus 2, तो आपको पता लग जाता कि ये वर्क के लिए हो रहा है P और P, ये देखिए ये दोनों में मैंने जानबूझ के ये ऐसे लिखा था दोनों P के लिए यूज हो रहा है P is equal to एम एल स्क्वायर टी रेस टू दी पावर माइनस ये पावर है और यहाँ P is equal to एम की power minus one, टी की power minus two। ये प्रेशर है अगर इसकी जगह एस लिखा होता एस इज इक्वल टू एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू तो आपको पता लग जाता कि ये स्ट्रेस है तो अब ये जो इक्वेशंस बन गए इन्होंने चीजों को बहुत आसान कर दिया और अब इन डायमेंशनल इक्वेशंस को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए और इनको यूज किया जाता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया गया जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इस प्रिंसिपल का यूज करके डायमेंशनल इक्वेशंस को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है इससे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से शुरू करेंगे फिलहाल आपके लिए आज का छोटा छोटा दो क्वेश्चंस आपके लिए दे रही हूँ इनको आप घर से प्रॉपरली करके ले आइएगा और अगर मैं कहूंगी तो आप इनको ग्रुप पे शेयर करिएगा अपनी कॉपीज या फिर मैं गूगल शीट बना दूंगी वहां पर आप इनको डाल दीजिएगा ये देखिए दो क्वेश्चन हैं पहला क्वेश्चन है फाइन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड विस्कोसिटी और क्वेश्चन टू है राइट एस आई यूनिट्स ऑफ फोर्स पावर वर्क एनर्जी एंड प्रेशर आज के लिए इतना ही हम कल फिर मिलेंगे या नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी तब मिलेंगे थैंक यू